हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी, और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूलकिट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। कालाबाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। यह हमारी सरकार है जिसने
आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी, उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना ना, मैं करूं तो खूब ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो उठ जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले, बस और कुछ नहीं।